नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से का चैप्टर का नाम लेके हमने 6 क्लासेस पढ़ा दिए, पर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमने नहीं पढ़ाया था। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बहुत ही प्यारे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से भी जानते हैं, और सबसे फेमस नाम है इसका CI, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर था, पहला जो क्लास थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो पहली क्लास थी हमने, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बेसिक अवधारणा को हमने समझाया था। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? When interest is compounded in yearly basis, अगर ब्याज की जो गणना होती है वो एक साल में हो जाती है, यानी जैसा वो बोलता है वैसी हो जाती है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। वो बोलता है 10% पर ईयर, पर एनम, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक साल के बाद ब्याज की गणना हो जाएगी। अगर वो धन 5 साल के लिए उधार लेता है तो इसका मतलब होता है हर साल के बाद ब्याज की गणना भी हो जाएगी, और वो ब्याज के साथ भी आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो परिस्थिति रहती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रहती है। इसमें टाइप की बात करें तो इसमें 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं, और कुछ एग्ज़ाम में बड़े शानदार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, वही जो हमने पहली बार में लिया था, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये 10% के हिसाब से 3 वर्ष का आपके बारे में ब्याज करें। 3 वर्ष का क्या निकालना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी से हम चीज़ों को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। देखिए 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये की जगह 1,000 ले लो, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये है, 10% है, 3 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? प्रथम वर्ष का ब्याज प्रथम वर्ष का ब्याज आपके पास प्राप्त होगा 1,000 का 10%, यानी 10/100, 0 से 2 0 कटी, 10 धाम कितना हो गया? 100 रुपये प्राप्त होगा, ऐसे ही प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, द्वितीय वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष का ब्याज के बारे में बात करें तो 1,000 का 10% तो हो गया होगा, प्लस इस ब्याज का भी 10% होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कितना होगा? वही 100 रुपये, और इसका कितना होगा? 10 रुपये, तो ये कितना हो गया? 110 रुपये, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज। तृतीय वर्ष के ब्याज को अगर हम देखें तो ये हो क्या रहा है? वही 1,000 का 10%, वो तो हो गई होगा मूलधन का, और ये 100 रुपये भी 100 का 10%, प्लस इस 110 का भी 10%, ये प्राप्त होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 रुपये प्लस यहाँ पे कितना हो गया है? 10 रुपये प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 11 रुपये, यानी ये हमको प्राप्त हुआ 121 रुपये। यानी अगर हम सही ढंग से बात करें तो ये यहाँ पर हो रहा है 100 रुपये, ठीक, यहाँ पर हो रहा है 110 रुपये, और ये तीसरे साल का ब्याज हो रहा है 121 रुपये, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रथम वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज, अब इसमें देखो गुणा करो तो इसमें कितना गुणा हो रहा है? आखिर 100 का कितना गुणा है? ध्यान से सुनो, आखिर 100 से क्या करने पर 110 प्राप्त हुआ? बहुत ही प्यारी चीज है, अगर यहां समझ में आ गया तो आनंद आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 1.1 का गुणा किया तो आया, तो ये 1.1 कैसे बना होगा?
वन प्लस आर अपान, नहीं नहीं इसको ऐसे मत लिखो, 10/100 ऐसे बना होगा, यही होगा 1%। यानी इसका मतलब होता है इसमें किसका गुणा करने पर यह प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है 1 + 10/100। ठीक, इसमें भी 1 + 10/100। ठीक, समझ पा रहे हो ना, यानी 110 में क्या गुणा करूंगा 121 आ जाए, वही 1.1 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैंने 1.1 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी मैंने 1.1 का मल्टीप्लाई किया, यानी इसका पहले साल के ब्याज से दूसरे साल के ब्याज में जो गुणा होता है वो होता है 1 + R/100। किसका होता है? 1 + R/100। और यहां पर भी कितना होता है? 1 + R/100। क्या समझ पाए चीजों को? तो कभी कभी परीक्षा में इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट केवल आप याद रखना, इसको अभी फिलहाल आप स्क्रीन शॉट लेके रखना, जब सवाल हमारे पास आएंगे तो हम इनको और अच्छी तरह से करेंगे। अभी यहां पर जो बात आती है ये हो रही है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये यहां पर भी चीजें बिल्कुल याद रखना। अभी आपको क्या, जब तक इन सवाल नहीं करेंगे वहां तक ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, इनके लिए सवाल की जरूरत है, सवाल भी लाएंगे। अब यहां पे बात करते हैं अपन, तो टोटल ब्याज कितना बना? 331 रुपये। ये 331 कैसे प्राप्त हुआ होगा? ध्यान से सुनिए आप, इसको सबको जोड़िए, मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे 331 प्राप्त होगा भैया। यहां पे तो 1000 का 10%, देखो तो यहां पे ये प्राप्त हुआ मुझे कि 1000 का 10%, 10% को लिख सकता हूं मैं 1 + 10/100 भाई, यहां पे टक 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 है ना 10%। अब ये 10% से यहां पे हुआ तो इसका मतलब हुआ मुझे पहले साल जो ब्याज प्राप्त हुआ वो पहले साल ब्याज के साथ मुझे मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास 1000 रुपये थे तो पहले साल के अंत में मेरे पास एक साल के बाद मुझे 1100 रुपये मिल गए, और ये 1100 मुझे कैसे मिले? 100 × 1 + R/100। समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब हुआ इस 1000 का कितना परसेंट निकाला? 110% निकाला भाई, 10% ब्याज जुड़ा है ना इसमें भाई, ये 100% है तो ये कितना है? 10% ज्यादा है, इसका मतलब होता है 110%, और ये 110% ही है। देखो आप देखिए, 100 × 100, 100 × 10 कितना हुआ? 110%। यानी यूं लिख सकता हूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिख रहा है ना ऊपर 110%। ठीक, ये 1100 प्राप्त हुआ मैं, 1100 ये एक साल के बाद। ठीक, अब दूसरे साल के बाद फिर एक साल का लगाया, इस 1100 का भी 110% होगा, होगा 1100 का भी 110% होगा, तो 1100 का 110% कितना होता है? अरे भाई ये लिखो ना, 1100 का 110% होगा 110%, 110% मतलब बट्टे में 100, टक 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 टक, यह हो गया 1100 × 1121 मतलब 1210 रुपये, हो गया 1210 रुपये। ठीक, इसका मतलब हुआ ये यहां पर जब 1210, ये 1100 हो गया, ये पूरा 1100 है, अगर मैं 1210 निकालना चाहता हूं तो इसका भी मुझे 110% निकालना पड़ेगा। सवाल का पूरा सॉल्यूशन, कहीं कोई फार्मूला नहीं है अभी, ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज के बेस पे। ये हो गया 1210 रुपये, यानी दो साल के अंत में मुझे 1210 रुपये प्राप्त होंगे। 1000 रुपये तो मेरा मूलधन और 210 रुपये उसका ब्याज, जो कि आपने निकाले चुके हैं अपन 210 रुपये, 110 और 100 कितना हुआ? 210। ठीक, अब यहाँ पे और आगे चलते हैं, एक साल और लगाते हैं आपके, अब 1210 का भी 110%, 0 से 0 गया, 121 में 11 का गुणा किया तो हो गया आपका 1310 रुपये। कितना हो गया? 1310 रुपये के कितना हुआ? चलो एक मिनट रुको, इसको कर लो ना गुणा, 11 का तो आपको पढ़ा जाता ही है, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3 और 1, 1331, यानी कुल कितना हुआ? 1331 रुपये। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, यहां पर जो चीजें हैं,
यानी आपके पास 1,000 रुपये था मूलधन के रूप में, ध्यान से सुना, एक साल के बाद वह हो गया 1,100 रुपये। 1,100 रुपये का मतलब कितना हुआ भाई, एक साल के बाद 1,100 रुपये, इसका मतलब यह हुआ आपके पास इसका 10% हो गया, यानी यह हो गया P1+R/100। ठीक, यहां पर फिर किया तो यह क्या हो गया, P1+R/100 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, और यहां किया तो यह कितनी होगी, P1+R/100 की पावर कितनी होगी, 3 हो गई। अब बहुत ही प्यारी बात यह है कि ये यहां पर जो चीजें हैं ये क्या हो रही है, पी, ये पी प्लस वन प्लस आर अपान, ये ठीक। इसका मतलब होता है ये तीसरी जो चीज आती है आपके पास, कौन सी चीज आती है, तीसरी चीज, वो तीसरी चीज होती है अमाउंट, और अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, और मिश्र धन होता है आपके पास प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक होता है, तो आपके पास प्रिंसिपल मिश्रधन कितना आ चुका है, P1+R/100 की पावर कितनी, n, ये आपके पास एक फार्मूला आ चुका है। ठीक, यहां पे प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या है आपका टाइम है, ये एक फार्मूला आ चुका है, यानी चक्रवर्ती ब्याज। देखो फार्मूले याद रखना जरूरी है, SSC में और कई सारे एग्जामों में तो डायरेक्ट फार्मूले पूछते हैं। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहीं से देखते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो दिख जाएगा ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल जो में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया, तो अमाउंट क्या है आपके पास, P1+R/100 की पावर n माइनस पी। जब P कॉमन निकालेंगे तो आपके पास फार्मूला बचेगा 1+R/100 की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आपको दिखेगा, जहां पर P क्या है, मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n आपका क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये इस प्रकार से फार्मूला है, तो आपके यहां पर इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको याद रहे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, दो फार्मूले प्राप्त किए, क्या, एक तो मूल आपका ब्याज का प्राप्त किया, मतलब चक्रवर्ती ब्याज का, और एक अमाउंट का। ठीक है, अब यहां पे जब निकालना होता है तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आखिर क्या चीजें, कुछ चीजों के लिए हम यहां पर चीजों को तैयार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुन लेना, देखो मैं यहां पे चीजों को बताता हूं आपको तरीके। पहला आपके पास चक्रवर्ती ब्याज में, अगर यहां पे मैं टाइप का लिखूं तो सबसे पहले होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक, दूसरा होता है CI SCI और SI का डिफरेंस के बारे में बात करेगा वो। ठीक, ये इस प्रकार किया, तो इन दो क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं। यहां पे बेसिक क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, जैसे आपको P दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, P दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का, इन दोनों के सवालों के बारे में जल्दी कैसे करते हैं, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर आपका पास टाइम, ठीक है, टाइम हो गया, टाइम के बाद अगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद यहां पर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां हो गया टाइम, अगर आपके पास थोड़ा सा मैं और अगर इसको करूं तो सही ढंग से, तो टाइम एक और बार ले लेता हूं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक, देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक टेबल बनाएंगे एग्जाम में। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल छोटा सा आ गया, थोड़ी सी देर के लिए मैं एक सवाल लिखता हूं, यहां पे क्वेश्चन आ गया, ठीक, कि 13,000 रुपये का, इसके जवाब भी लिख लेना आप कमेंट बॉक्स, 13,000 रुपये का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, एक तो ये चीज आ चुकी है,
या फिर दूसरे नंबर, क्वेश्चन नंबर एक हो गया, क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों के जवाब हम पढ़ेंगे, है ना। 17,000 रुपये का, है ना, 12% के हिसाब से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट व का डिफरेंस कितना, अंतर। बोलिए, चलिए। तो इन दो सवालों का जवाब इस सारणी के बाद देंगे हम। देखिए सारणी ये कुछ नहीं कहती है, देखो आपके एग्जाम में 2 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं और 3 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से ज़्यादा नहीं आएगी, आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इन 10% को लेते हैं। आपको पता है कि अगर 100 रुपये उधार लेता, यहाँ पर सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ परसेंट, और ये CI फॉर 2 ईयर्स और ये CI फॉर 3 ईयर्स। यानी अगर आपके पास 10 रुपये, 10% के हिसाब से अगर समय आपका 2 वर्ष रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% रहे, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपये पर कितना होगा। हम यहाँ पर सारी चीज़ें 100 रुपये, देखिए दो चीज़ें, एक तो परसेंटेज के टर्म में भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सीखेंगे, और एक और हम भिन्नात्मक के रूप में भी सीखेंगे, जहाँ जो हथियार लगेगा हम वो अपनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। देखिए 10% के हिसाब से बात करते हैं अपन, तो 10% का मतलब होता है 100 रुपये का 10 रुपये, तो 100 रुपये का 10 रुपये, इसका मतलब ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 100 रुपये है, 100 रुपये का अगर 10% देते तो कितना हो जाता है, 110 रुपये, 110 रुपये हो जाता है, इसका मतलब टोटल ये हो गया पूरा, तो ये पहले साल का ब्याज हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, आपके पास इस दूसरे साल का ब्याज भी आपके पास 110 रुपये का, 100 रुपये और 100 रुपये का 10% कितना हो, 110 रुपये, यानी इसका मतलब हुआ टोटल आपके पास 110 रुपये हो गया। 110 रुपये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो ब्याज हो गया इस 100 रुपये का, 110 रुपये जो ब्याज है, तो वो ब्याज कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। यानी 100 रुपये का ब्याज एक साल में कितना हो गया, ये 2 साल में कितना हो गया, 11, यानी 11% हो गया। अब इस 11% को लिखते कैसे, देखो एक साल का ब्याज कितना होता है, 10, 2 साल का कितना होता है, 20, साधारण ब्याज 20% होता है। अगर 2 साल के बात करें हम, तो साधारण ब्याज कितना होता है, 20% होता है, ये 20 लिख दिया, परंतु दशमलव इस 10 का वर्ग भी होता है, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 100 की 2 जीरो लिखेंगे और एक और बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 21, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर 2 साल में जो ब्याज प्राप्त होगा मुझे, वो कितना परसेंट प्राप्त होगा, 21% प्राप्त होगा। कितना परसेंट प्राप्त होगा, 21% मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 210 रुपये प्राप्त हुए थे, अभी 100 रुपये और 110 रुपये, तो टोटल कितना हुआ, 210 रुपये। इसका मतलब होता है 210 हुए, इसका मतलब कितना हुआ, 21% मुझे ब्याज प्राप्त, मतलब 21 रुपये मुझे प्राप्त हुए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 10 रुपये का, 10 रुपये नहीं, 100 रुपये का, 100 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 21 रुपये। इसको बोलेंगे 21%, क्योंकि यहाँ पर हम सारी वैल्यू क्या रहेंगे, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। उसी प्रकार से 5% का लेंगे, तो 5 × 10, 10 मतलब 10 रुपये तो मुझे साधारण ब्याज के मिलेंगे, परंतु इस 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ये मुझे मिलेंगे, ये बस ये सारणी याद रखना है। याद करने का तरीका, 2 × 2 कितना होगा, 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 0, 4, 3 का, 3 × 2 = 6, 3 का वर्ग कितना होता है, 0, 9, 4 × 2 = 8, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ये सब क्या है, ये सभी साफ सिंपल इंटरेस्ट हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बड़ा शानदार काम। 6% के लिए 6 × 2 = 12, 36, 7 के लिए 7 × 2 = 14, 7 का वर्ग 49, 8 × 2 = 16, 8 का वर्ग 64, 9 × 2 = 18, 9 का वर्ग 81, ये हो रहा है, ये हो गया पूरा। अब आपको सब ये कितनी शानदार चीज़ है, आपको ये याद रह गया
तो आपको कितनी बढ़िया चीज़ है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो 18% रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो 18.81 रहेगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0.81 वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा दो साल के लिए, ये दो साल के लिए, ठीक है। 11 के लिए क्या होगा, 11 × 2 = 22, 11 का वर्ग 121, तो 121 में यहाँ पे दो अंक लिखना है, तो 121 में इकाई और दहाई का अंक लिखेंगे, सैकड़े को फिर इधर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 23.21। 12 का 12 × 2 = 24, 12 का वर्ग 144, 144 का 44, और यहाँ पे एक जोड़ा तो कितना हो गया 25.44, याद रखिए इनको। 13 का 13 × 2 = 26, और 13 का 169 का 169 लिखा और 26 और एक 27.69। 14 × 2 = 28, 14 का वर्ग कितना होता है 196 का 96 लिखा और 14 × 2 = 28 और एक 29 96। और 15 का 15 × 2 = 30 और 225, तो 30 32 25। ये आपके सारे क्या हैं, दो साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब ये क्यों काम के, साहब एक बात बताइए, हम सूत्र थोड़ी लगाएंगे क्या, 13,000 रुपये का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा दशमलव के बाद जीरो सब में, केवल इस 10% को छोड़ के, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, और परसेंटेज का में मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 2 वर्ष वाले क्वेश्चन में बटे में कितनी जीरो आएगी, बटे में कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर निकालना है 13,000 रुपये का 8% का 2 साल के लिए, तो 8% का कितना होता है 16.64 16.64 16.64%। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, और ये दशमलव आके यहाँ पे भी हो गया 100, यानी ये सवाल है, यानी कुल मिला के 16.64 में 13 का गुणा करना आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। देखिए, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसी करेंगे, यहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ रही है उसको करेंगे। अब 13,000 में 16.64 का गुणा करना, यही आपका सवाल है। मैं यहाँ पे गुणा गुणा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी ये पूरा सवाल ही गुणा का है। अगर यहाँ यूँ बात की जाए तो सवाल ऐसा है कि 13,000 रुपये में, यानी 13 में 1664 का गुणा करके 1 अंक बाद दशमलव टिका देना उत्तर, क्योंकि बटे में 4 जीरो जो आई है। तो इस प्रकार से जो सवाल है आपका, 13,000 रुपये गुणित 16.64 बटे 100, एक और जीरो लगाई, ये 100, ठीक, 4 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 1 जीरो बची। इसका मतलब आपका जो पूरा सवाल है वो है 1664 में 13 का गुणा और बटे में 10, यानी आंख मूंद के आप सवाल कर सकते हो इस प्रकार के सवाल। अब आपके पास ऑप्शनल एग्जाम भी होती है, ऑप्शन में आप ऑप्शन के बजाय 13×52 इकाई का अंक 2 कहाँ दिख रहा है वो उत्तर होगा, नहीं तो ठीक है, ठीक है। अब इसको करो, करो उत्तर, उत्तर देखो, आपने उत्तर लिखे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में 13×52 = 2 हासिल, 5 13×78 और 5 कितना होता है 83 है ना, 3 हासिल, 8 13×78 78 और 8 86 का, सॉरी 78 और 8 86 का 6 हासिल, 8 और 13 × 13 = 21, यानी इसका उत्तर है 2163.2, ये उत्तर है 2163.2। अब इसी सवाल में बोले वो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना है, देखिए 8 × 16 16 तो होगा आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, और 16×64 क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.64। इसका मतलब हुआ कि 13,000 रुपये का 0.64% आपका उत्तर है। 0.64% का मतलब होता है बटे में वही 4 जीरो लगाएंगे तो आपके पास 3 जीरो तो कट जाएगी, यानी 13 का 64 में गुणा ही आपका उत्तर है, और 1 अंक बाद दशमलव लगाना बस। देखा 13×52 = 2 हासिल, 5 13×78 78 और 5 83, यानी 83.2 आपका उत्तर है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। अब ये देखो, यहाँ पे आप बहुत सारे बोल देंगे सर 13,000 की जगह 13,552 हो जाएगा, तो फिर सवाल में कुछ और तरीके से, हमारे पास एक ही तरीका नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सवालों को इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इस सारणी को याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस सारणी को आपको रटना है, समझना है, याद करना है। मैं आपको यहाँ पे जो लिखवाऊंगा वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाऊंगा कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। परंतु फिर भी मेरी कोशिश है कि रात को 12 बजे भी अगर आपको पूछा जाए तो याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए, 5% का लिखिए, 5 का क्या होता है, कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ।
इसकी तीन स्टेप होती है, उस तीन स्टेप आपको लिखना समझ में आए नहीं आए उसको 15 तक रट जरूर लेना, ठीक है मेरी बात। पाँच का, तो पाँच का तीन पर तीन साल के लिए ब्याज कितना होता है 15, ठीक। इस 15 का इस पाँच का क्यूब करिए, पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप ये होती है कि इस पाँच का तीन में गुणा करिए, लिखा 15, फिर इस पाँच का क्यूब करिए और यहाँ पर दशमलव के बाद चार अंक आएंगे और वो दो दो के जोड़े से आएंगे, तो सबसे पहला जो अंक आएगा वो यहाँ वाला आएगा, तो वो कैसे आता है पाँच का क्यूब से, तो पाँच का क्यूब कितना होता है 125, 125 के लिखेंगे 25, ठीक, सिंपल, एक हासिल का बचेगा, उस हासिल में 15 का इस पाँच में गुणा करेंगे तो 15 पाँच जो कितना होता है 75, 75 और एक हासिल का कितना हो गया 76, 15 76 25, समझ पा रहे हो ना, यानी 100 रुपये में उधार देऊँगा तो 3 साल के बाद मुझे 100 रुपये का जो ब्याज प्राप्त होगा वो 0.7625 प्राप्त होगा, समझ पा रहा। अगर मैं कहूँ कि टोटल मुझे पैसा सॉरी ब्याज कितना प्राप्त होगा 15.7625, यानी 100 रुपये का ब्याज मुझे 15.7625 प्राप्त होगा। ये बात हमेशा गांठ बांध लेना इसको, ये मैंने आपको सिखाया, मैं इसी प्रकार से और भी चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए चार का सीख लीजिए, पहले सीखना बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम आपको चीज़ों को ध्यान रखिएगा, भटकाएंगे नहीं बिल्कुल चीज़ों को, तो चार तिया कितना हो गया 12 दशमलव, ठीक। अब हो रहा है चार तिया 12, तो चार का क्यूब कितना होता है 64 और 12 चौक कितना हुआ 48, तो ये हुआ 12 48 64, 12 48 64, ठीक है। अब तीन का देखिए, तीन तिया 9, 3 का क्यूब 27 और 9 तिया 27, मैं समझ पा रहा हूँ ना मेरी बात को, अब कैसे कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। उसी प्रकार से 2 का 2 चौक 2 तिया 6, 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे इसका गुण 6 दुनी 12, तो 6 12 0 8, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास आएगा। सॉरी मेरी एक गलती हो रही है, नहीं हो रही है, चलिए पॉज कर, ये इस प्रकार से लिखा। अब 6 का इस प्रकार से सारों का लिखना है, मैं आपको यहाँ पे एक दो बता देता हूँ, देखो 6 का तो 6 तिया 18, 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब होता है 216, होता है 216, ठीक। और उसके बाद इस 18 का 6 का गुणा करना, 18 संख कितना होता है 18 संख 108, 108 में 2 जोड़ना तो कितना हो गया 110 हो गया, 110 हो गया, पर 110 हो गया पर वो एक और बचा है, तो 19 10 16 बस 19 10। तो यहाँ पर देखो हमने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे चीज़ों को लिख दिए, अगर कोई सा भी एक आप प्रूफ चाहते हैं जैसे ये है, थोड़ी देर के लिए हमने आपको कम से कम 10 तक तो करवा दिए थे, है ना आपको 6 7 8 तक तो करवा दिए थे, अब यहाँ पर मैं 15 वाला करवाता हूँ। देखो 15 वाला यहाँ पर 15 3 45, ठीक, दशमलव के बाद दो दो अंक वाले लिखना है, इस 15 का क्यूब लिखना है, 15 का क्यूब होता है 33 75, 33 75 मतलब 75 लिख दिया, 33 हासिल का बचा है, इस 45 में अब 15 का गुणा करना है, 75 60 और 67, इसमें अब 33 जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 7 और 3 10, 6 7 हासिल का बचेगा, अगर ये 7 हासिल का बचेगा तो यहाँ पर 45 में 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 52 08 75, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का यानी सारे लिखे हैं, तो ये हो गया 3 साल के, ये याद रख लेना। देखिए आपको लगेगा सर ये याद क्यों रखे, देखो याद रखेगा तो ही होगा, एग्ज़ाम में हमें लगभग अगर बहुत जल्दी सवालों को करना है, बहुत जल्दी जल्दी सवालों को करना है तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो अगर कमेंट में, देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं अकेला यहाँ पे हूँ, दीवालों को पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वहाँ गलती है, हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। पर प्रोसेस मैंने आपको बता दी, प्रोसेस में कहीं पर भी 1% भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल और करना था आपको, ये रहा दूसरा नंबर का सवाल, ये रहा बहुत ही सुंदर सवाल है और ये है, कमेंट बॉक्स में आपने इसके उत्तर लिख ही दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17,000 का 12% की दर से 3 वर्ष का SI व CI का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो SI 17 तक 3 वर्ष का 12% 12% ये रहा, 12% का मतलब ये हो रहा, ठीक है। अब आप सोचिए आपका SI जो होता है वो होगा 12 तिया कितना 36%,
भाई 12 का 3 साल के लिए कितना होगा 36%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40, 49, 28। इसको भी आपको सिद्ध करना है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 12 का ये यहाँ पे सिद्ध कर देता हूँ मैं आपको, 12 का 12 तिया कितना होता है 36, 12 का क्यूब कितना होता है 17, 28, 17, 28 में 28 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब कितना बच रहा है 17 हासिल बच रहा है, 17 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 12 का 36 में गुणा करना है तो 12×6 72, 12×3 36 और 7 43, 43 इसमें 17 जोड़ा तो कितना हो गया 7×2 9, 3×1 4, और यहाँ पे बचा 449, तो 449 में से 49 यहाँ लिख दिए, 36 का 40 यहाँ पे लिख दिया तो हो गया 40×49 28, ये हो रहा है 40×49 28, ठीक है। ये पूरी सारी चीज़ें बिल्कुल बता रखिए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना हो रहा है 4.4928, यानी इसका मतलब हुआ 17,000 रुपये का 4×49 28 का गुणा आपको करना है। बोल चलिए यहाँ पर अब इसका गुणा करना है, इसका मतलब होता है इस पूरी संख्या में केवल 17 का गुणा करना है, 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है तो टोटल कितनी दशमलव हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 अंक बाद दशमलव कट जाएगी, कट कट कट, दशमलव हटाया, परसेंटेज हटाया, 3 अंक बाद। इसका मतलब होता है आपका जो पूरा उत्तर है वो है यहाँ पर, अगर हम करें सही ढंग से तो ये उत्तर है आपका 44,928 में 17 का गुणा, बस ये गुणा ही आपका उत्तर है। अब ये देखो ये सारी चीज़ डायरेक्ट आ सकती है परीक्षा में, आपको 17,000 का मतलब 17 ही गिनो ना आप, तो ना उसके बाद वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है तो 12×36 होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 40×49 28 होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4, तो 4×49 28 इसको दशमलव भी हटा दो, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट 17, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 17×8 136 है ना, तो कितना उत्तर है 13, 17×2 34, 34×13 कितना होता है, कितना होता है 47, 47 के साथ हासिल 4, 17×9 153, 153×4 157, फिर 15 बचा, 17×6 68, और 15 कितना होता है 68×15 कितना होता है 83, अरे 68×15 83, 83×3 हासिल 8, 17×6 68, 68×8 कितना होता है 76, तो ये हो गया आपके पास 763.776, तो इसका उत्तर होगा 763.776। ये दो सवाल और आज ये सारणी जो करवाई, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। देखिए कैलकुलेशन है तो आज जो हमारे पास दो टाइप के सवाल थे कि बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो बेसिक क्वेश्चन पहला था, दूसरा क्वेश्चन सिंपल इनकम, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब इनके सवालों का जत्था लेके हम आगे बढ़ेंगे तो अगले जो सेशन रहेगा उसमें 5 या 10 क्वेश्चन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, जिससे धीरे धीरे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो आपको आनंद भी आ रहा होगा, और आनंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। एक नया तरीका देने की कोशिश करेंगे हम, नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम में 30 सेकंड में सवालों को हल कर दें। ओके, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सफल होंगे, आप भी सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।